दोस्तों मैं हूं सद्दाम और आप देख रहे हो आरएस पसंद ऑफिशियल। तो मेरा आरएस पसंद डिजाइनर बुटीक जो है आप लोग अंदर से देखे हो पूरा और बाहर से कैसा दिखता है नहीं देखे हो, तो आज बाहर का नजारा दिखाने वाला हूं, कुछ हटके अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए दिखा रहे हो, पहले अंदर दिखा देते हो किस तरीके से दिखता है, फिर बाहर का लुक गजब का दिखता है भाई। अगर कोई कस्टमर मेरे पास भेजता है ना तो उलझन का कोई परेशानी ही नहीं है कि वो भूल जाए, तो वो मेरे पास डायरेक्ट, वो नया से नया आदमी जो अगर कोई भेजता है मेरे पास तो मेरे ही पास आता है। मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा क्या किया है आज जो है अपना राज खोलने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, आज के जमाना में जो दिखता है वही बिकता है, और दिखने के साथ साथ क्वालिटी, विश्वास, एक कस्टमर का लगाव बना कर रखना जरूरी है, ये सब तो जरूरी है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए पहले हम अंदर का नजारा दिखाते हैं, फिर बाहर का नजारा दिखाएंगे। बाहर का नजारा आप लोग देखोगे तो वाव, और ज्यादा हमें नहीं ऐसा है कि आप लोग देखे होंगे बाहर से डिटेल्स में। तो चलिए दिखा रहे हैं पहले अंदर का, फिर दिखाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले जब गेट से आओगे तो ये देखिए इंटरलॉक मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद कस्टमर के लिए और अपने लिए और इसके लिए पानी का बंद व्यवस्था है, ओके। और ये मेरे पास स्टीम आयरन है, देख सकते हो, और अभी सुबह सुबह आ रहे हैं, 7 बज रहे हैं, काउंटर पे इतना ज्यादा भीड़ है। उसके बाद फर्स्ट में यहाँ से आते ही गेट है, फर्स्ट में देख सकते हो कि ये मशीन है सबसे पहले पिको का, ठीक है। और ये हो गया सीविंग मशीन, और ये भी हो गया सीविंग मशीन, और ये भी हो गया आपका जैक F4 सीविंग मशीन, जो जैक F4 का हम बीच बीच में अपडेट देते रहते हैं, खराब होता रहता है। और ये हो गया वीडियो जो शूट करता है यहाँ पे, और ये हो गया शॉर्ट रखने का जगह, और ये हो गया मेरा पैंट रखने की जगह, और ये हो गया कोट उट बनाते हैं, तो अभी तो कोट उट नहीं है, बंडी उंडी अभी जो है हम बंडी बना रहे हैं, देख सकते हो ये बंडी हम बना रहे हैं। और आप लोग कहोगे सर सिल्वर प्ले बटन क्या हो गया, तो यहाँ से एक खटा है तो यहाँ पे ऐसा 2 लगेगा और 2 सिल्वर प्ले बटन लगेगा जो आपके भाई के काउंटर में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं 2-2 सिल्वर प्ले बटन, ओके। तो चलिए हम जो है बाहर का, अब इस काउंटर पे कटिंग का जो है कोई रहता है आदमी तो खड़ा करा के शूट करा देते हैं, नहीं तो ये स्टील लगा हुआ है ये देख सकते हैं। और ये जो सेटिंग जो है जो यूट्यूब करना चाहता है तो देख सकते हो किस तरीके से हम सेटिंग किए हैं, वो भी आप सेटिंग कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यार मेरे साथ साथ सब आगे बढ़े इस लाइन से, जो भी है वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम, देखो इनकम का कम से कम 2 से 3 जरिया होना चाहिए। आप लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हो तो बहुत सारा मोटिवेशन का भी और अर्निंग के रिलेटिव भी देखे होंगे कि समझ लो कि अगर मूस जो है, मूस का अगर एक बिल रहेगा, सांप उसमें ढुकेगा तो उसको खा जाएगा, बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए एक बिजनेस पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, अगर वो डूब जाएगा तो आप फिर क्या करोगे, इसलिए कम से कम 2-3 बिजनेस होना चाहिए। तो मूस का बिल जब भी देखोगे 2 से 3 होता है कि अगर एक तरफ से अटैक होगा तो दूसरे तरफ से निकल जाऊंगा, तीसरे तरफ से निकल जाऊंगा, तो ये सब जरूरी होते हैं। इसलिए अपने वीडियो में बीच बीच में मोटिवेट आप सभी को कर देता हूँ, ट्रिक दे देता हूँ इनकम का, ठीक है, जो जो मैं करता हूँ रियल है। और तो ये देख सकते हो ये खुला मेरा गेट, अब बाहर से दिखाते हैं कैसा मेरा दुकान दिखता है। ये रहा कुछ बाहर का नजारा, और ये रहा आपका भाई का गाड़ी जो देख रहे हो, लिखा हुआ आर एस पसंद ब्लॉग्स, जो जनरल है सबके के देखने के लिए वीडियो है। और ये रहा शादीशुदा आदमी का गाड़ी, ठीक से दहेज में मिला हुआ है। और ये रहे विनय जी, क्या विनय जी, तो देखिए ये अपाची पे चल रहे हैं, ठीक है, ये किराना दुकान है, देख सकते हैं बहुत बड़ा किराना यार, बहुत बड़ा किराना स्टोर है, छोटे मोटे हल्के में ना ले, अभी बंद है, ठीक है। और इधर है होगा डॉक्टर साहब, आज अपने से झाड़ू लगाते हुए, अब दिखाते हैं अपना दुकान कि कैसा दिखता है मेरा बाहर से, देखो भाई। और ये देखिए अन्ना टीम और अंदर नेहा म्यूजिकल ग्रुप, नहीं भाई अंदर रहता है लोग, अब क्या करें, मजबूरी है और मन इसलिए लगता है, ज़्यादा खास करके विनय भैया के ज़्यादा मन लगता है, और यही रखवाए हुए हैं, देख सकते हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो आके संपर्क कर सकते हैं। और ये रहा आपका भाई का दुकान जो कैसा दिख रहा है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो हम अपडेट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आरएस फैशन ऑफिशियल को, इसी तरीके से अपडेट रहने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए और सिलाई का ट्रिक्स जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें।